धरती का फायदा होता है या नुकसान। अर्थ विदाउट ह्यूमंस डे वन। पहले ही दिन बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर होगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएंगे। इंसानों के ना होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा। हालांकि सोलर प्लेट्स की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएगी और समूची धरती अंधेरे के आगोश में समा जाएगी। बिजली ना रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी सेल फोन, टीवी टावर, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इंसान न होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकराकर नष्ट हो जाएंगे। एक साल के अंदर सभी सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे। एक महीने बाद, इंसानों के न होने के एक महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगी। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने की वजह से 3 महीनों में ही कई सारे सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वन्य जीवन एक बार फिर से जीवंत हो उठेगा। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। एक साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। धीरे धीरे इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल के बाद पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़ी हर जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेंगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। 25 साल के बाद जितनी भी रोड सड़क है वो सारे पौधों से ढक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे शहर हो या गांव, सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। जानवरों का संसार पहले की तरह फलने फूलने लगेगा और वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे। 50 साल के बाद धरती को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं लगेगी। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग्स पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होंगी। वही प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीजों को डिकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसके कारण कोई भी नदी और नाले सूखे नहीं रहेंगे। 100 साल बाद धरती के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीवों में संतुलन बन चुका होगा। धरती पर के सभी मौसम का बदलाव समय पर होने लगेगा। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिसे खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। 300 साल के बाद मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, एफिल टावर, सब कुछ टूटकर धरती के नीचे दब चुके होंगे। कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग अलग पंछियों की प्रजाति वापस आ जाएगी। इस तरह जानवरों की भी कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेंगी। हमारे जाने के बाद सिर्फ धरती पर के जीव को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। 500 सालों बाद धरती पर मौजूद कुछ बचे कुचे इमारतों की जगह भी जंगल आ चुके होंगे और हजारों साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनकी कुछ पत्थरों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घिर चुकी होंगी।
अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा जो आने वाले हजार साल में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीजें नेचर हमसे वापस ले लेंगी। धरती पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हजारों लाखों सालों बाद धरती पर इंसान जन्म लेता भी है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस धरती पर कभी इंसान थे। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें से पहले यानी कई लाख साल पहले भी इंसान धरती पर थे? हो सकता है, जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि आज इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है जो हमारे बिना फिर से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर ये वन्य जीव पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर आज हम ये बात समझे नहीं कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हम सभी को हमारी इस धरती को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नेचर और वन्य जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अवश्य पहचानें और जितना हो सके उतना नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं।